वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। भाइयों एवं बहनों, मैंने कभी छुट्टी ली कि नहीं ली, मैं 2400 घंटे काम करता हूं। भाइयों एवं बहनों, मैंने अपना काम पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से की कि नहीं की। दोस्तों, ये डायलॉग आपको हर रैली में हर जगह सुनने को मिल जाता है। आपको पता होगा ये डायलॉग किसके, यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बोल है। दोस्तों, ये अक्सर अपनी बखान हर जगह करते रहते हैं। ये अपने आप को बताते हैं कि मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। इसका इनका सीधा सा मतलब है कि इन्होंने नहीं ली मतलब बाकी प्रधानमंत्री ने छुट्टी ली है। बाकी प्रधानमंत्री में अब अटल बिहारी जी इनकी ही पार्टी के हैं, तो इनको तो ये कह नहीं सकते। इनका अब एक ही लोग बचते हैं, वो हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। इनका कहना है कि वो छुट्टी लेते। दोस्तों, बस इसी बात को समझने के लिए किसी ने आरटीआई डाल दी। आरटीआई में उसने पूछा कि प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितनी छुट्टी ली, और उसने जब आरटीआई डाला तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, और वहां से जवाब आया कि मनमोहन सिंह ने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। दोस्तों, मनमोहन सिंह ने भी छुट्टी नहीं ली है और मोदी जी ने भी छुट्टी नहीं ली है। मोदी जी हर जगह कहते फिरते हैं कि मैंने छुट्टी नहीं ली है, लेकिन मनमोहन सिंह जी के मुख से आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। काम वो भी करते थे। दोस्तों, इस मामले की तह तक जाने के लिए हमने थोड़ा सा रिसर्च और किया। हमने देखा, हमें मिला कि प्रधानमंत्री के पद के लिए छुट्टी का कोई प्रावधान ही नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री को छुट्टी नहीं होती, उनको 2400 घंटे 5 साल तक काम करने होते हैं। वो चाहे बीच पे टहल रहे हैं या अपनी ही पार्टी के लिए राज राज जा जा करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, या फिर विदेश यात्रा पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ऑन ड्यूटी हैं। चाहे वो चुनाव प्रचार कर रहे हो, चाहे वो टहलने निकले हैं, वो ऑन ड्यूटी है। अब आप ही फैसला कीजिए कि मोदी जी कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अपनी बखान अपनी पढ़ाई करने में माहिर हैं, तो भी आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हम और आप मिलकर के इनके कारनामों का बखान तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि काम नहीं कारनामे बोलते।